तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालको, मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय की चिन्ह है। लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है, यही क्षत्र धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी यह तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ का ये अश्व दिग्दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओह, युद्ध की चुनौती है, तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी, हम इसे पकड़ते हैं। तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। पेड़ को नहीं काटते बेटा, आप भी तो काट रही हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियां एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है।